बीजेपी 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 जम्मू एकता जम्मू एकता जम्मू एकता जम्मू एकता जम्मू एकता जम्मू एकता सामने डाल दो चलो ठीक है सर ऐसे कर लेना उसको पता चल जाए हमने क्या लिया रघुवीर सिंह बगली ना कोई हो एक लड़का हमने हमने आपस में उनको मारनी सपोर्ट होती है मारनी सपोर्ट है खाने के लिए कुछ सामान भी बड़ा सा इधर बुढ़ो हमने मिले पीछे वो बिल्कुल कोई देश के विरोध काम नहीं कर रहे थे, देश प्रेमी लोग हैं जो भी यहाँ पे आए अपनी आवाज को आराम से बुलंद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का आवाम इस तरीके से दुखी था कि जिस ढंग से टोल प्लाजा लगा के टैक्स वसूला जा रहा था ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लूट है, और जिसका विरोध भाजपा के क्या नितिन गडकरी ने साहब ने खुद कहा कि यहाँ पे 60 किलोमीटर के अंदर टोल हटा देंगे, लोग बर्दाश्त करते रहे और जब पुल यहाँ पे बह गया और उसके बाद लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत थी। अगर सड़कें ठीक नहीं तो फिर टोल किस बात का, ये जायज़ मांग थी। जायज़ मांग की आवाज़ को बुलंद करने के लिए युवा राजसभा के साथी और बाकी साथी इनके साथ कंधे साथ कंधा मिला के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, और जिस ढंग से रात के अंधेरे में इनको गिरफ्तार किया गया निंदनीय बात है, हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं। और इन्हीं के बाद फिर पर्चा भी FIR लगा दिया, वो भी ज्यादा की आज हम इनको मुलाकात करने के लिए आए लेकिन प्रशासन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर तक इंतज़ार करेंगे लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो युवा आज सड़कों पर था अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जमहूरियत यहाँ पर दिखाई नहीं देती, चुनाव तो ये करवा नहीं रहे, उस जमहूरियत का ये हक था कि वो अपनी बात तो रख सकते, पीसफुल तरीके से एक साइड पे धरना पे बैठे थे, लेकिन वो भी इनको बर्दाश्त नहीं। दफा 144 हर जगह हर चौराहे पे लगा, पूरे जम्मू शहर में लोग चौराहों में जाके सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोग आगे दुखी, और इसके बाद जब जिस ढंग से इस नौजवान साथियों पर जो प्रहार किया गया एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किया गया, उससे लोग और ज़्यादा दुख तकलीफ में है, लोगों में गुस्सा है। आज गुस्से का इजहार करते हुए हम यहाँ पे कठुआ जेल में जिनको यहाँ पे बंद किया गया उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मुलाकात अगर होती है उसके बाद हम अपनी टीम क्या देखते हैं। जब जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा किया जाता है, जब एंटी जम्मू एंटी कश्मीर एंटी यूथ किया जाता है तो 144 लागू कर दी जाती है, क्या देखते हैं कि इसी धारा से सिर्फ अब एक हथियार ये 2014 के बाद इसी ढंग से चला रहे हैं। बड़े मुद्दे थे लेकिन आज हम उस मुद्दे से परे नहीं हटना चाहते, आज हम सिर्फ उसी मुद्दे पे जिस मुद्दे को लेके युवा राजपूत सभा और दूसरे लोगों को यहाँ पे बंद किया गया हम उसकी मजम्मत यहाँ पे करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं कि पूरी तौर पे उनको रिहा करें और लोगों की मांग जो जायज़ मांग है टोल प्लाजा हटाने की वो पूरी तौर पे वो मांग है। तो सड़कों पे बैठ जाए ना, वो बताते हैं, वो तो जम्मू में पार्लियामेंट में मेट्रो भी चलाते हैं, कहाँ पे मेट्रो है, झूठों को पलंदे वाले थे, लोग गुमराह हो गए, वोट डाल दिया, आज लोग पछता रहे हैं, वही लोग थे ना जिन्होंने इनको वोट डाला था, आज सारा आवाम तो सड़कों पे है। जब महंगाई की मार से लोग निकल नहीं पाए, आपने रिक्रूटमेंट स्कैम से वही नौजवान जो पढ़ना चाहते थे 2014 के बाद उनको रोज़गार नहीं दिया, और वो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं उनकी आवाज़ भी सुनी नहीं गई, तो फिर लोगों के पास रास्ता क्या है, जमहूरियत बहाल हो, इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पर रियासत हमें मिले और गवर्नर साहब मिले, जो हमारी पहली रियासत थी जिसमें गवर्नर साहब थे, तो उसके साथ बात कोई हो, बात सुनने वाला कोई नहीं,
इस चीज़ों की नाराजगी जाहिर करते हैं। हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप, हमारे फार्मर मिनिस्टर सानी साहब, मनमोहन सिंह जी यहाँ के, कठुआ के पंकज डोगरा जी, सारे कार्यकर्ताओं के समेत यहाँ पे आए हैं उनका हाल जानने के लिए। दिक्कत क्या है, पुलिस कस्टोडी में वो आदमी है, कोई दिक्कत है, कोई दो आदमी यहाँ पे बिठा दो, हम मुलाकात करते हैं। अगर जल्दी नहीं छोड़ा जाता और टोल जो है बंद नहीं किया जाता तो क्या संघर्ष? तो कांग्रेस तो ऑलरेडी इन लोगों के साथ है, हमारी सारी पार्टी के अध्यक्ष हम सब लोग इनके साथ हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये प्रशासन की अनदेखी होगी, प्रशासन तानाशाही के जरिए। अगर स्मार्ट मीटर तहसीलदार और पुलिस के लिए लगा रहा है और वहीं पे टोल प्लाजा पे पुलिस खड़ी करके पर्ची काट रहा है तो ये दर्शाता है कि कहीं पे भी प्रशासन दिखाई नहीं देता। जोर जबरदस्ती के कारण जम्मू कश्मीर के आवाम के जख्म को ताजा करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू का नारा देने वाले नेता भी थे लेकिन आज जम्मू के युवा जेलों में हैं और जम्मू का नारा देने वालों के मुख से कोई शब्द, कोई आवाज, बस भाजपा के नारे ही हैं, जम्मू जम्मू जम्मू, कोई दिखाई नहीं देता। शराब की दुकानें जगह जगह पे खोले, कोई दिखाई नहीं देता। राशन डिपो से राशन गायब करते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। रिक्रूटमेंट स्कैम आते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। भाजपा है कहाँ पे? भाजपा कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। उनका सुपड़ा साहब है तो जो 2024 का सपना देख रहे हैं उसकी शुरुआत तो शुरू हो गई है, कल चुनाव करा दें। अगर इनको इतना ही आया पंचायतों को चुनाव अपनी पार्टी के टिकट पे करा दें, इनकी जमानतें जब्त हैं। अब लोग समझ गया ये जिंदा लाशें थी जो गलती से हमने इनको वोट डाल दिया, अब तो लोग पछता रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारा मुद्दा यही है, हम युवा राजपूत सभा के साथी जो अंदर यहाँ पे किए गए उनका कोई कसूर नहीं था, आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पे जो ज्यादा सरकार ने किया वो नहीं करनी चाहिए, उसको रिव्यू करें और टोल बैक।